जैसे कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में आप देखते हैं कि बीच में फंक्शंस होते हैं और लेयर बाय लेयर बनी रहती है पोजीशन बैठने के लिए, तो वैसे यहाँ बना हुआ है। थोड़ा मैं क्लोज चल के आप लोगों के लिए होती है, जैसे मूवी में हम लोग देखते हैं कि एक अंदर ऐसे भवन टाइप का बना रहता है, उसके अंदर असेंबली होती है और वाइस चांसलर या प्रिंसिपल फुटबॉल एरिया है और उस साइड फुटबॉल एरिया बन रहा है और एक दो बास्केटबॉल कोर्ट है, उधर टेनिस कोर्ट दो बन रहा है। गुड इवनिंग मेरे फ्रेंड, नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, होप करते आप लोग बढ़िया बढ़िया रहना। स्वागत है सभी लोगों को मेरे और नए ब्लॉग में। तो आज अभी हम लोग हैं, बैकग्राउंड देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा हम कहाँ हैं। तो जी हाँ, हम अभी सैनिक स्कूल के अंदर हैं और कमेंट आया था एक अपने सब्सक्राइबर का कि भैया अंदर से स्कूल दिखाइए, तो वादा निभाते हैं हम, जो वादा करते हैं वो ज़रूर निभाते हैं। तो चलते हैं अंदर, आप लोग घुमाते फिराते देखते हैं क्या है क्या नहीं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करते रहिएगा, जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा। तो चलिए अंदर हम लोग घूमते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग सैनिक स्कूल के अंदर आए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं हम लोग सैनिक स्कूल के अंदर हैं। कमेंट भी आया था भैया सैनिक स्कूल है जो आपका फर्टिलाइज़र में खुल रहा है उसको मतलब अंदर से दिखाइए कि क्या क्या डिपार्टमेंट है, कैसे क्या होना है। तो भाई अभी तो कुछ चालू नहीं है यहाँ पे, यहाँ से अभी काम चल रहा है। अभी मान के चलिए ये जो सेशन आ रहा है उसमें शायद चालू हो सके, लेकिन अभी तो कुछ प्रोग्रेस मुझे नहीं दिख रहा है। सिर्फ यहाँ पर काम वो अभी चल रहा है, जितने भी लेबर्स हैं काम वाम अभी चल रहा है, अभी बन रहा है, अभी बहुत समय लगेगा बनने में। और इधर क्वार्टर्स दिए गए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है और चार पांच ब्लॉक बनाया गया है। फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, ये फोर्थ ब्लॉक, चार ब्लॉक बनाया गया है। अब यहाँ कुछ नाम भी नहीं मेंशन है कि पर्टिकुलर ब्लॉक को मतलब क्या होगा क्या नहीं, तो ये बोलना भी मतलब जायज़ नहीं क्या है क्या नहीं है। और अंदर भी अभी नहीं जा सकते, मतलब बात किए तो अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ बाहर बाहर से जितना वीडियो आप बना सकते हैं बना सकते हैं, परमिशन ले के हम लोग बना रहे हैं बाय द वे। और काफ़ी बड़ा है यार, पूछिए मत, बहुत ज़्यादा बड़ा है। देख रहे हैं एक क्वार्टर दिया जाता है, टीचर्स लोग जो भी आएंगे उन लोगों के क्वार्टर है। एक एक ये ब्लॉक है, अभी इनोग्रेशन भी इसका नहीं हुआ है ना बाय द वे, मतलब ब्लॉक व्लॉक में नाम लिख दिया रहता, अभी इनोग्रेशन भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पे शाम को जो फीलिंग आएगी ना बैठकर व्यू एंजॉय करने की, उस वो तगड़ा रहेगा भाई। सामने हरियाली रहेगी, आराम से बैठ के एंजॉय करो। अभी देख सकते हैं काम वाम चल ही रहा है। फिर यहाँ से आ जाता है ये मेन जहाँ असेंबली होती है, जैसे मूवी में हम लोग देखते हैं कि एक अंदर ऐसे भवन टाइप का बना रहता है, उसके अंदर असेंबली होती है और वाइस चांसलर या प्रिंसिपल कह सकते हैं वो बैठे रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, हमारा कितनी खूबसूरत लग रहा है बिल्डिंग, ऐसे ही घर बनाना यार। और ये कह रहे थे ना डिपार्टमेंट, अलग अलग अभी डिपार्टमेंट बन रहा है, लेकिन अभी पर्टिकुलर नाम भी नहीं दिया गया है कि यहाँ पे ये पढ़ाई होगा, गेम्स का होगा, क्या होगा, हॉस्टल क्या है क्या नहीं है। फिर वहाँ हमको लग रहा है शायद कैफेटेरिया एरिया है, शायद यहाँ आपके चेयर्स बैठने का अरेंजमेंट किया गया है। और जैसे मूवी में या जैसे कॉलेजों में, बड़े बड़े कॉलेजों में आप देखते हैं कि बीच में फंक्शंस होते हैं और लेयर बाय लेयर बनी रहती है पोजीशन बैठने के लिए, तो वैसे यहाँ बना हुआ है। थोड़ा मैं क्लोज चल के आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा भी होगा और ख़ासकर दिल्ली में ये कल्चर था कि मतलब बैठ प्रोग्राम होगा सामने और सब कोई बैठ के इंजॉय करेगा, तो वैसे सब कुछ ये बना हुआ है। और चलते हैं उस ब्लॉक में, उस ब्लॉग में भी कुछ नाम मैंने लिखा यार, वरना मैं बताता किस चीज़ का क्या है। लेकिन भाई कह रहा हूँ ना, बहुत सुंदर बना है, आर्मी स्कूल है यार। देख रहे हैं, ये शायद हॉस्टल है, ये आपका हॉस्टल है, ये कैफेटेरिया एरिया है, ये आपके क्लासेस एरिया है, आपका बास्केटबॉल एरिया है और उस साइड फुटबॉल एरिया बन रहा है और एक दो बास्केटबॉल कोर्ट है, उधर टेनिस कोर्ट दो बन रहा है। और काफ़ी कुछ है यार इंतज़ाम है यहाँ पे। अब वो आप कह रहा फुटबॉल कोर्ट का, और शायद अंदर अभी मतलब ज़्यादा अलाउड नहीं है ना, मतलब एकदम अंदर जाना, अभी तो काम कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है, तो वरना लग रहा है स्विमिंग पूल भी होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। और यहाँ से आपको पूरा एंट्रेंस बंद हो जाएगा, जो पिछली बार मैं दिखाया था पीछे से, वो एंट्रेंस बंद होगी, जो मेन एंट्रेंस होगी आपका यही मेन एंट्रेंस होगी, जो आपका मैंने रास्ता भी दिखाया। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो पुराना वीडियो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, मैंने पूरा रास्ता और लोकेशन क्या है वो सब मैं आपको बता के रखता हूँ। तो जिसका जिसका भी एडमिशन हुआ है भाई आके अपना
स्कूल कॉलेज अभी से देख लो, अभी बहुत कुछ बनना बाकी है, बहुत कुछ बन भी रहा है। और फिर आपका यही था कि दो लोग कमेंट भी किए थे कि भैया अंदर से हमको दिखाइए, तो स्पेशली इन दोनों लोग के लिए परमिशन लेके हमने ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। और काफ़ी कुछ है ना इस वीडियो में, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ कि आने वाले समय में भाई ये जितना ये सब अभी बन उन रहा है, आगे चल के बहुत खूबसूरत दिखेगा ये आर्मी स्कूल। और इधर देखिए आपका, मैंने बताया था हॉस्टल एरिया, ये आपका हॉस्टल एरिया है, वो कैफेटेरिया एरिया हो गया आपका सर। तो चलते हैं, यही सब था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अंदर अलाउड नहीं क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए अंदर जाना अलाउड नहीं किया गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देता हूँ, होप करते हैं और वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएगा इस वीडियो कैसा अच्छा लगा। और अपने सब्सक्राइबर के लिए मैं कुछ भी करूँगा, उन्होंने कमेंट किया, मैंने आपको ये वीडियो डाल के दिखा भी दिया। और होप करते हैं और वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस चैनल को और आगे तक बढ़ाइए। और राइडर 350 को पूरी दुनिया जाने, अभी गोरखपुर जान रहा है और सब दुनिया भी जाने। तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय बाय।